सारी दुनिया के अगर कंट्रीज पाकिस्तान के लिए अपने वीज़े खोल दें और वीज़ों में मज़ीद आसानियाँ कर दें, ख़ासतौर पर यूरोप लोग डंकी मार के चले जाते हैं, अगर यूरोप अपने वीज़ों में आसानियाँ मज़ीद आसानियाँ कर दें, वीज़ा सस्ता कर दें, शेंगन वीज़ा के लिए शराइत बहुत कम से कम कर दें, ख़त्म कर दें, बैंक स्टेटमेंट की शराइतें ख़त्म कर दें, बैंक स्टेटमेंट कम से कम कर दें, स्किल्ड वर्कर, तो पाकिस्तान से तो इतने नौजवान इतने लोग हिजरत करके जाएंगे, इतने तो 1947 से के में जो है 48 में 49 में 50s के दौर में जो लोग इंडिया से हिजरत करके नहीं आए, उससे ज़्यादा यहाँ से हिजरत कर जाएंगे लोग। तो हर चीज़ को जो है ना, यानी कि जो मुश्किल बना के रखा गया है वो थोड़ा सा जो है कम होना चाहिए। और बस ये आपको बताने का मकसद ये कि हिजरत का सिलसिला जो है ना इस तरह से चल रहा है इस मुल्क के अंदर, लोग यूरोप जा रहे हैं, कोई डंकी मार के जा रहे हैं, बेचारों की किश्तियाँ डूब जाती हैं, बेचारे कुछ मर भी जाते हैं, बता रहा हूँ मगफिरत फरमा, और कुछ जो है बच जाते हैं उधर चले जाते हैं, कोई घर हो जाते हैं, कोई पकड़ा गया तो रिपोर्ट हो गया वहाँ बचा जाता है, तो डंकियाँ ना मारें, लीगल तरीके से जाएँ, लीगल तरीके से पैसे दे के जाएँ। अगर आपके पास पैसे हैं 5-10 लाख 20 लाख, पाकिस्तानी हैं आप, पंजाब साइड के हैं, कश्मीर साइड के हैं, आपके पास पासपोर्ट बना हुआ, तो आप लीगल तरीके से जो की जाए और आप वहाँ जाके जो है उस तरीके से, लेकिन 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख को डंकी मार के लाना ऐसे नहीं करें, इससे बड़ा नुकसान है। और ये जितना भी है ये फोर सिटी है उसमें बड़ा हैरत ज़्यादा चीज़ें दिखाई जाती हैं, DW न्यूज़ पर दिखाई गई, इंडिपेंडेंट उर्दू पर, BBC उर्दू पर, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू पर, और दीगर इंटरनेशनल इदारे सहाफती इदारे जो हैं इस बारे में लिखे होते हैं, डॉन में जंग में मैंने पढ़ा और बड़ा हैरान हुआ, लोग 5-5, 10-10 लाख, 20 लाख में दीगर डंकियाँ मारे, भाई दीगर तरीके से चले जाओ यार, 1.5-2 लाख का तुर्की का टिकट होगा, वीज़ा जैसा जो है 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार, 3 लाख में आप तुर्की पहुँचाओ, ऐसे चले जाओ तुर्की एशिया के तुर्की, वहाँ से अल्लाह ताला आपके लिए अस्बाब बनाएंगे, तो आप चले जाना इस्तंबुल भी चले जाना, आप ग्रीस साइड भी चले जाना, वहाँ से जो है आप बहुत सारे रास्ते हैं आप वहाँ चले जाएंगे, लेकिन पहले लीगल रास्ते, लीगल रास्ते से ही आपने आगे बढ़ना है और आप अल्लाह ताला जो है आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो यही मैं आपको बताने का मकसद ये है कि अगर दुनिया की तमाम कंट्रीज में पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों में बहुत आसानी कर दी, 1947 में जितने लोग हिजरत करके नहीं आए थे उससे ज़्यादा लोग जो है ना पाकिस्तान से हिजरत करके